स्टूडेंट्स, अब मैं टॉम सायर का सेकंड पार्ट बताऊंगा। इसका नाम है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह उतना अच्छा नहीं सो पा रहा था जितना अच्छी नींद वह सोया करता था। He could not eat as much as he used to. वह इतना अधिक खा भी नहीं पा रहा था जितना वह खाया करता था। He did not want to run away from school. वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. कभी कभार वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad. वह काफ़ी कष्ट में था और काफ़ी उदास भी था। Troubled means कष्ट। The boy is ill. लड़का बीमार है। Aunt Polly thought. Aunt Polly ने सोचा। I must give him some medicine. मुझे उसको कुछ दवा देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kind of medicines. और जो Aunt Polly थी वो हर प्रकार की दवाओं की शौकीन थी, मतलब हर बीमारी की कोई न कोई दवा उनके पास थी। She had a lot of books on this subject. इस विषय पर या इस विषय से संबंधित उनके पास बहुत सी पुस्तकें थी, मतलब बीमारी और दवाई से संबंधित उनके पास बहुत सी पुस्तकें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस। व्हेन ए बॉय वॉज इल ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। उनका जो नया विचार या जो नया आइडिया था वह यह था कि यदि कोई लड़का बीमार है तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और इसीलिए वह प्रतिदिन सुबह के समय टॉम को आंगन में खड़ी कर देती थी। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। उसके बाद वो टॉम के ऊपर बर्फ सदृश ठंडा पानी, मतलब बिल्कुल बर्फीला पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट सी रैप्ड हिम इन ए वेट सीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। इसके बाद वो उसको एक चादर में लपेट देती थी और उसको फिर बिस्तर पे लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। ही गॉट वर्स। वह और भी खराब हो गया, मतलब उसकी बीमारी और बढ़ गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया। अब आंट पॉली ने एक दूसरा तकनीक इस्तेमाल किया, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब उसने टॉम के ऊपर ठंडा पानी न फेंककर गर्म पानी फेंका। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। यह भी टॉम के किसी काम नहीं आया, मतलब टॉम स्वस्थ नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। इसी समय आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। इसको दर्द निवारक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका जो स्वाद था बिल्कुल फायर, करने का मतलब है बिल्कुल ज्वलनशील था, मतलब खाने पर खाने वाला कुछ जलन सी महसूस करता था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। हमेशा की तरह इस दवा को भी आंट पॉली ने कहा कि टॉम खा लो। थ्री स्पून फुल आफ्टर ईच मील। प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच यह दवा लो। टॉम हेटेड इट। और इस दवा से टॉम को नफरत थी।
When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. और जब आंट दिखती नहीं थी, आंट पॉली दिखती नहीं थी, तो वह जल्दी से उस दवा को फर्श पे बने हुए एक छिद्र में गिरा देता था. टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन. एक दिन टॉम यही कार्य कर रहा था, दवा को फर्श में जो छिद्र था उसमें डाल रहा था, तभी एक बिल्ली आ गई. टॉम पावर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ. टॉम ने दवा का कुछ हिस्सा बिल्ली के मुंह में भी डाल दिया. एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर. और तुरंत ही बिल्ली हवा में कूद पड़ी, बहुत ऊंचाई तक कूदी. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग. और बिल्ली ने अपने पिछले पैरों पे नाचना शुरू कर दिया. इट रश्ड अबाउट द रूम. वो रूम में इधर उधर भागी, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. और इसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसको तोड़ते हुए. इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड. यह कुछ इस तरह से भागी जैसे कि यह पागल हो गई है. टॉम लॉफ्ट एंड लॉफ्ट. टॉम हंसने लगा और हंसने लगा, मतलब वो उसको देख के खूब प्रसन्न हो रहा था, हंस रहा था. इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लॉफ्ट सो हार्टली. काफ़ी लंबा समय हो गया था इस तरह से खुल के हंसे हुए. टॉम ने काफ़ी लंबे समय से इस तरह से खुल कर नहीं हंसा था. आंट पॉली हर्ड द नॉइज एंड केम रशिंग इन. आंट पॉली ने शोर शराबा सुना और अंदर आई. व्हाट इज द मैटर. क्या मामला है. टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. टॉम कुछ नहीं कर सका क्यों हंसने के कारण, क्योंकि वो हंस रहा था तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोल पाया. एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड. आखिरी में उसने इशारा किया और कहा, लुक लुक एट द कैट. देखो देखो उस बिल्ली को देखो. व्हाट इज द मैटर विथ इट. इसके साथ क्या मामला है. यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन. क्या तुम इसको वह दवा दे रहे थे. आई डू नॉट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग. टॉम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता. टॉम ऑन पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर. ऑन पॉली ने उस बॉटल को देखा जिसमें पेन किलर था, चम्मच को देखा और उस तस्तरी को भी देखा. सी गेस्ट द ट्रूथ. सच्चाई का उन्होंने अनुमान लगा लिया. टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री. अब टॉम इस बात की उम्मीद कर रहा था कि आंटी नाराज होंगी. टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल. उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि आंट पॉली कुछ सोच रही थी, मनन कर रही थी, चिंतन कर रही थी. इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स. और फिर उन्होंने कहा, इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स सी सेड. उन्होंने कहा कि यह जो दवा है बिल्लियों के लिए नहीं है. परहैप्स इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉय. और संभवतः है एक अच्छी दवा नहीं है लड़कों के लिए भी. यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट. तुम्हें इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस दवा को और खाने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम. टॉम के लिए एक खुशखबरी थी, बहुत अच्छी खबर थी कि चलो दवा से छुट्टी मिला. ही बिगेन टू फील बेटर. और उसके बाद फिर वह स्वस्थ होने लगा. स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं.